मई को माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर सम्मेलन के 70 साल पूरे हो गए हैं। शोरपा तेंजिंग नेरगो और सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार 23 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। इस दिन को विश्व एवरेस्ट दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नागपुर के युवा पर्वतरोही यश शर्मा और दक्ष खांटे ने 28 मई को ताकत और दृढ़ता का संकल्प के साथ 4200 मीटर ऊंची पथलस्तू चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 4200 मीटर या 13800 फीट की ऊंचाई पर शक्तिशाली पहाड़ पर चढ़ते समय दक्ष खांटे ने कहा कि उन्होंने घने देवदार के जंगलों, घास के मैदानों, बर्फ से ढके इलाके, बर्फ के पैच और खतरनाक परिदृश्य को पार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि लचीलापन और कौशल वास्तव में परीक्षण के लिए रखे गए थे। यश शर्मा ने कहा कि पूरे दिन तापमान में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस साहसिक अभियान का महत्व यह है कि अल्पाइन तरीके से यानी बिना किसी बाहरी मदद के हासिल की गई इस उपलब्धि ने एक बार फिर नागपुर शहर में साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया है। यश शर्मा एक कुशल धीरज कोच और प्रसिद्ध साइकिल रेसर पहले एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं, जबकि सोमलवर निकलास हाई स्कूल के 12वीं के छात्र और टाइगर मैन ट्रायल्थलॉन के विजेता दक्ष खांटे भी नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यश शर्मा और दक्ष खांटे को पर्वतरोही समुदाय ने उनके असाधारण पराक्रम के लिए बधाई दी है। दोनों पर्वतरोहियों ने कहा कि हम अभियान के दौरान सहयोग के लिए सीएसी ऑलराउंडर एडवेंचर क्लब के वरिष्ठ पर्वतरोही अजय गायकवाड़ और एवरेस्ट प्रणव के बहुत आभारी हैं। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।